हेलो दोस्तों, स्वागत है तुहाडा क्रिएटिव माइंड यूट्यूब चैनल के उत्ते। अज आप गल करांगे किस तरह असीं कर सकते अपना DMC डाउनलोड ऑनलाइन पंजाब बोर्ड की वैबसाइट के उपरों। तो दोस्तों पहला असीं जानते सी कि रिजल्ट आने तो 1 या 2 महीने के बाद ही सानू DMC प्रोवाइड किया जाता है, पर पंजाब बोर्ड ने यह रूल को काफ़ी बदल दिता है। बहुत ही वधिया सोल्यूशन प्रोवाइड किया इसका, जिसके अनुसार होगा कि रिजल्ट आने के 1-2 मिनट के बाद ही तुम अपना DMC या उस समय अपना DMC ऑनलाइन इंटरनेट के उपरों डाउनलोड कर सकते हो। तो किसी भी कॉलेज एडमिशन लैन के लिए जो फॉरन जाने किसी एम्बैसी को इसको प्रोवाइड करना होगा तो तुम उस समय ही इसको प्रोवाइड कर सकते हो। नाल दी नाल दोस्तों इस फैसिलिटीज़ के नाल तुहानू होर भी 2-3 फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं पंजाब बोर्ड के द्वारा, जिस दे विच होवेगा कि इन फ्यूचर जेकर तुहाडा कोई डॉक्यूमेंट DMC गवाच जाता है, गुम हो जाता है, तो तुहानू फॉर्म फिल करके चंडीगढ़ के चक्कर लाने की कोई जरूरत नहीं होगी। दोस्तों तुम ऑनलाइन ही ये डॉक्यूमेंट है DMC डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। तुम इस वार बार कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। नाल दी नाल जदों तुम कोई अपना DMC वेरीफाई करवाना हो किसी कॉलेज में एडमिशन लैन के लिए या फिर फॉरन जाने लिए एम्बैसी ने इसको वेरीफाई करना हो, भी तुहानू कोई फॉर्म फिल करके चंडीगढ़ जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। तुम ऑनलाइन ही सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हो, मतलब घर बैठे तुहाडा सारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कि किस तरह से अपना DMC डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, तो किस तरह सानू रजिस्ट्रेशन करनी होगी पंजाब बोर्ड द्वारा दसिया गई इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो चलो देखते हैं इस वीडियो के। सब तो पहले तुहानू डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के उपर क्लिक करना होगा। जो तुम क्लिक करोगे तो तुहाडे सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। इस तो बाद तुहानू आधार नंबर जो कि तुम पंजाब बोर्ड का फॉर्म फिल करने वेले दिता सी वह तुहानू इत्थे फिल करना होगा। तो नाल दी नाल थले कैप्चा कोड आता है जो कि तुहानू देख के वैबसाइट के उपरों ही उसनू फिल करना होगा। दोस्तों एक गल ध्यान रखियो कि तुहाडा जो आधार नंबर है तुहाडे मोबाइल नंबर ते ईमेल दे नाल लिंक होना बहुत जरूरी है, ता जो तुहानू OTP तुहाडे ईमेल एड्रैस ते मोबाइल नंबर के उपर प्रोवाइड किया जा सके। तो दोस्तों जिवें कि तुसीं देख सकते हो कैप्चा कोड फिल करन तो बाद थले एक टिक का ऑप्शन आता है, जिस ते क्लिक करन तो बाद तुसीं सबमिट ते क्लिक कर देना है तो तुहाडे सामने एक नवीं विंडो ओपन हो जाएगी। ए तुहानू OTP भेजा जाएगा तुहाडे रजिस्टर्ड मोबाइल के उपर, तो वह OTP तुसीं चैक कर लेना है अपने मैसेज बॉक्स में जाके, तो OTP नूं कॉपी करके जां इदां ही चैक करके उसनूं इत्थे फिल कर देना है। तो OTP जिदा तुहाडे मोबाइल ते आवेगा तो तुसीं उसनूं चैक करके इस विच फिल कर देना है, तो ओके बटन ते क्लिक कर देना है। जेकर तुहानूं नहीं मिलिया तो तुसीं रीसेंड भी कर सकते हो। तो सबमिट करन तो बाद दोस्तों तुसीं देखोगे कि एक नवीं विंडो ओपन हो जाऊगी, जिस विच तुहाडे आधार नंबर ते नाल लिंक मोबाइल नंबर ते आधार नंबर दे नाल तुहाडे लिंक ईमेल ID तुहानूं मंगी जाएगी। दोस्तों ये तुसीं उही ईमेल ID ते आधार नंबर इत्थे फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है जो तुहाडे आधार नंबर दे नाल लिंक होया होवे। तो ईमेल ID भी तुहाडी तुहाडे आधार नंबर दे नाल लिंक होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि तुहानू OTP ईमेल ID ते भी आएगा, तो दोनों का OTP तुहानू फिल करना होगा। जिदा कि मेरी जो ईमेल ID है जो मेरे आधार नंबर नाल लिंक है मैं उसनू इत्थे फिल कर लवांगा। दोस्तों जेकर तुहाडी ईमेल ID तुहाडे आधार नंबर नाल लिंक नहीं है जां मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो तुसीं आधार केंद्र विच जाके इसनू रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि यह बहुत ही वधिया सुविधा प्रोवाइड की गई है पंजाब बोर्ड द्वारा, ताकि तुहानू इन फ्यूचर के कदे भी कोई डॉक्यूमेंट की लोड़ होवे तां तुहानू वार वार चक्कर ना लाने पैण चंडीगढ़ के घर बैठे मोबाइल ते तुसीं कदे भी डाउनलोड कर सको। पूरी इनफॉर्मेशन भरन तों बाद तुसीं इसनू सबमिट कर देना है कि जिस तरह तुसीं देख रहे हो OTP मंग रहा है, OTP जो तुहाडे मोबाइल ते गया है जां तुहाडे ईमेल ते गया है। दोस्तों मेरे केस दे विच दोनों मोबाइल नंबर अते ईमेल ID दोनों ते मेरा जिहड़ा OTP सी ओह सेम सी, तां मोबाइल नंबर दे विच जो मेरा OTP गया सी सेम OTP मेरे ईमेल एड्रैस ते भी गया सी। तो हो सकता है कि तुहाडे लई इह दोनों डिफरेंट होण, क्योंकि उन्होंने मोबाइल नंबर ते आधार कार्ड दोनों नूं वेरीफाई करना है, इस करके वक्रा भी हो सकता है, पर मेरे केस में ये दोनों सेम सी। दोस्तों पूरी इनफॉर्मेशन भरने तो बाद वैलीडेट बटन पर क्लिक कर देना है, तो तुम देखोगे कि इस तरह तुहाडे सामने एक विंडो ओपन होगी, जिस विच प्राइमरी इनफॉर्मेशन सब तो पहले तुम क्लिक कर देना है, जिस विच तुहाडी डेटा मैक्सीमम तो फिल ही होगा जो आधार कार्ड के उपर तुम मैनशन किया। उस तो बाद मदरस नेम तुम फिल कर देना है, जिस विच फस्ट नेम एंड मिडल नेम एंड लास्ट नेम तुहाडा सरनेम हुंदा है। जिस तरह तुहाडा किसी का नाम जो कि पंजाब सिंह एंड कौर ही हुंदा है तो मिडल नेम नहीं हुंदा तो तुसीं उसनू छड्ड देना है, ठीक है। तो दोस्तों उस तो बाद फादरस नेम एंटर करना है, तो उस विच फस्ट नेम जो अपने पेरेंट्स का फादर का नेम एंटर कर देना है, मिडल नेम जेकर है तो फिल कर देना है, जेकर मिडल नेम कोई नहीं है तो तुसीं उसनू खाली भी छड्ड सकते हो। इस विच कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है, बट फस्ट जो ब्लॉक है वह मैंडेटरी है।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਪਾਸਵਰਡ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਾਸਵਰਡ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਓਪਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ NAD ID ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ NAD ID ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਸਵਰਡ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ NAD ID ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਇੱਥੇ ਕਾਪੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਸਵਰਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈੱਨ ਦੀ ਕੋਸਟ 2 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਪੈੱਨ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ। ਸਿੰਪਲ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਓਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੰਡੋ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ NAD ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ 12th ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ